कांग्रेस महासचिव एवं राजस्थान के अब तक के सबसे लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीतिक विशेषज्ञ पत्रकार निरंजन परिहार द्वारा राजस्थान के रेल विकास पर लिखी पुस्तक संघर्ष यात्रा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय निरुपम भी मौजूद थे। संघर्ष यात्रा में राजस्थान के रेल विकास का इतिहास है एवं उसके विस्तार के लिए राजस्थान मीटर गेज प्रवासी संघ के 4 दशक के संघर्ष की गाथा भी है इस पुस्तक में समाहित है। मुंबई में योगी सभागार में 7 अप्रैल की शाम आयोजित इस लोकार्पण समारोह में उद्योग, व्यापार, राजनीति, समाज सेवा आदि से जुड़े राजस्थानी समाज के वे सभी जाने माने हस्तियां मौजूद थे जिनने समाज में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवसर पर प्रवासी संघ के अध्यक्ष विमल राका ने सभी का स्वागत किया। आपको बता दें कि निरंजन परिहार एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट हैं। उद्घाटनकर्ता श्री मानव जी ओसवाल जिनों से गुजारिश है कि आप पधारे और हमें संबोधित करें। श्री रतन जी ओसवाल विमल जी आओ एक मिनट इधर देखिए सामने ये मकुर सेन सभी मंच पे विराजमान सब सामने मंच पे विराजमान सभी लोग आज न मालूम राजस्थान इंटरगेज प्रवासी संघ ने जो मेरे लिए योग्य नहीं था कहाँ से कैसे कहा किया ये मैं समझ भी नहीं पाया परंतु बना भी नहीं कर सका। धन्यवाद देता हूँ राजस्थान सभी माता कुछ चंद बातें सुगंध जी परमार ने कही भी है और इसके पहले मैं प्रदीप जी राठौर जो विश्वनाथ जी शहरों के सुपुत्र है पोपट जी और सभी विराजमान हमारे शहरों की उनसे बातचीत की। आपने हमारे खुबीला जी सी ए साहब खुबीला जी हमारे जयंती भाई एम के साहब सभी अन्य लोग सभी जो शायद में सबका नाम एक साथ में दे सको उसके लिए मैं भी चाहता हूँ। थोड़े समय में हम सब मिलकर के इस मुंबई की भूमि पर आपका जो सपना है शिक्षा और स्वास्थ्य का जरूर पूरा होगा। हम राजनीतिज्ञों से ले लेंगे जमीन का निरुपम जी हमारे बरबर से धन्यवाद। इंद्र भाई लोगों के मन में जो मनसा है उस पर आप खरा उतरने के लिए प्रयत्नशील रहे। जब क्रियान्वित होगा सामने सारा पिक्चर क्लियर होगा तो बड़ा आनंद का अनुभव महसूस होगा। लंबे समय से सपने तो देखते आ रहे हैं हकीकत में जब परिवर्तन होंगे तब सचमुच प्रसन्नता होगी। आज हमारा समाज मुझे बहुत खुशी है कि 77 व्यक्ति
तीसरी बार नहाने का और संबंध संत से जुड़ा है डागा साहब पालन में हुआ करते मुझे भी उनके साथ में अस्सी में सौभाग्य मिला रहने का बहुत ही बड़ी नेता थे जैसा डॉक्टर ने कहा उनका व्यक्तित्व एक अलग तरह का था पूरे पार्लियामेंट के तमाम मेंबर को वो तो जानते थे पर हमारे नेता इंदिरा गांधी जी उनके व्यक्तित्व से उनके कर्तृत्व से उनकी कार्यप्रणाली से उनके सोच से बहुत बहुत धन्यवाद अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा क्रॉस थोड़ा देखो इस संस्था से लंबे समय से जुड़े हुए हैं इस संस्था के वर्किंग कमेटी के मेंबर के रूप में भी आप रह चुके हैं और इन्हें अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं और आप संस्था के प्रति जो आपकी भावना है वो हमेशा इसी तरह से बरकरार है श्री विमल जी बोरा मोचन जी आप अंशर आओ हाथ लगाओ रेडी सर मोचन जी आते 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 थैंक यू आगे चल 1957 से 1977 तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में रहे 1981 तक पार्लियामेंट के अंदर सदस्य के रूप में सेवा दी है और दादा जी के बारे में ये कहूंगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के चेहरे पे फेरो अरे देख जो हाथ रख और पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस कमेटी
के अध्यक्ष के रूप में आप सेवा दे रहे हैं, बहुत ही क्रांतिकारी सुलझे हुए और जिलों के बारे में कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं श्री बिल्कुल जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। श्री कांति में जितावत और मुझे जी सभी गुजारिश है कि आप बेटे आप उधर चले जाओ। कौन जी भेजा संजय जी, बहुत तड़प तड़प वाले एक जुझारू नेता है। जब ये बोलते हैं तो पत्रकार संघ के अंदर भी उनकी आवाज जुड़े जुड़े रहती है और हर बिंदुओं पर है। ऐसे संस्था के अध्यक्ष के रूप में विमल जी माता जो इस संस्था की सेवा दे रहे हैं, संस्था के प्रति समर्पण की भावना से काम करते हैं, मैं विमल जी राठौर से संदेश दूंगा। श्री अशोक जी गहलोत का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और हमारे मित्र पत्रकार बंधु निर्जित प्रयाग